तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं जोनाथन स्काउट एंड मॉर्टल के रिलेटेड। अब गाइस, ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता ही है, कुछ लोग प्लेयर्स को बिना कोई मतलब के हेट करते हैं। तो वो चीज के रिलेटेड गाइस आज स्काउट रिएक्ट किए कि हम लोग को जो करना है हम कर रहे हैं, बट कुछ लोग जो हमको हेट देते हैं इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर देम। एंड गाइस फिर वो एक पास हेटर के रिलेटेड भी बात किए। आप देखिए, तुम लोग जिन लोगों को हेट देते हो, मॉर्टल हो गया, मैं हो गया, जॉनी हो गया, कोई भी लोग हो, जो क्रिएटर है एक स्टेज पे है, उस हेट से मुझे मुझे एक बात बताओ, क्या प्रूव हो जाएगा, क्या प्रूव हो जाएगा? उनको पहुंचा तो लग, पहुंच गया जहां पहुंचना है, कुछ नहीं प्रूव होगा। चार दिन हेट दोगे और दो गाली खाओगे, जैसे दो गाली नहीं खाओगे फिर तुम्हें वही जिंदगी जीनी वापस। तुम लोग वो हेट देने वाले का तो सोल एग्रेसिव, उसका तो भी केस चल रहा है, उसका भी मैं तुम लोग को पूरा अच्छा लंबा चौड़ा सीन बताऊंगा। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप जल्दी से कर लो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। हम काफी करीब है गाइस 1 लाख सब्सक्राइबर्स के। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टीम सोल के मैटर के रिलेटेड, जिस पर आज मूवी भी ट्वीट किए। तो गाइस कल की वीडियो में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, जहां पर फाइनल के एक मैच में टीम सोल के केवल दो ही प्लेयर्स खेले थे, वो सब का पूरा सीन एंड एग्जैक्ट रीजन क्या था मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो वो चीज पर सिड भाई ने गाइस जो ट्वीट किया था कि हमारे लिए लोबी का वेट नहीं हुआ फॉर अ फ्यू मिनट्स, उस पर रिप्लाई करते हुए आज मूवी ये लिखे, हमारे दो मैचेस 3 मैन स्टार्ट हुए हैं, मैं भी गुस्सा हुआ था एंड आई थिंक TX ने भी सेम फेस किया है, बट वैसे अच्छा है क्योंकि उसके बाद हम अपने आप से टाइम से ज्वाइन करना शुरू कर दिए। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है SA12 की एक बिग अनाउंसमेंट के रिलेटेड, जो कि गोल्डी भाई ने रिवील की थी। एग्जैक्ट तो गाइस उन्होंने नहीं बताया था, बट या वहां से हमको ये सुनने को मिला था कि इट्स गोना बी क्रेजी। तो वो चीज रिलेटेड गाइस आज मॉर्टल भी कुछ रिएक्ट किए। आप देखिए, ऊपर नीचे होता रहेगा यार, वो ठीक है, अपन आते रहेंगे। अभी मैं एक्चुअली कहीं बाहर गया था, आप लोगों को तो पता ही होगा, गोल्डी भाई ने कुछ बोला था, तो स्टे ट्यून्ड व्हाटएवर इट इज, क्योंकि मैं इसमें हां ना नहीं करने वाला नो मैटर व्हाट। वैसे गाइस आपको क्या लग रहा है ये क्या हो सकता है, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड गाइस अनाउंसमेंट के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं नियो के रिलेटेड। तो गाइस नियो के रिलेटेड भी हमको कुछ अनाउंसमेंट या फिर कुछ वीडियो देखने को मिल सकती है, इसके रिलेटेड वो अपनी स्ट्रीम पर बात किए। आप देखिए, अभी थोड़े दिनों में मेरा एक शूट है तो मेरे को उधर जाना है, तो उसके पहले अपन ट्राई करेंगे 650 के बजाय 4-5 दिन, जब बीजा स्टार्ट हो रहा है 4 को, तब तक मैं एक जगह पे जाना है मेरे को शूट के लिए, तो तब तक। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम एक्सपार्क निंजा जोड के रिलेटेड। तो गाइस निंजा जोड आज ये रिवील किया कि उनको गेम खेलने में अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, काफी बार उनका गेम क्रैश हो जाता है, कभी फ्रेम ड्रॉप्स हो जाते हैं एंड कभी अचानक से गेम लैग होने लगता है। तो एग्जैक्टली गाइस वो ये कहे, तुम्हें ये लगे एक्सक्यूज है कुछ भी है, फिलहाल मैं 13 Pro Max में खेल रहा हूँ, जो मेरा TSM के टाइम से वो डिवाइस है मेरे पास, TSM के टाइम से, जो मेरा पर्सनल डिवाइस और गेमिंग डिवाइस दोनों है, तो बहुत ज्यादा लैग, मेरा लैग तो नहीं हो रहा, रेड गेम क्रैश ही हो रहा था कस्टम में भी, फ्रेम ड्रॉप लिटरली, मैं इसीलिए रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ जो क्लिप्स है यूट्यूब के लिए मॉन्टाजेस वगैरह के लिए, तो आप खुद ही देख लेना अभी कैसा लैग होता है मेरा, क्या होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कुछ बोल रहा हूँ, तो हद से ज़्यादा लैग होता है भाई, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मेरा थोड़े दिनों में नया डिवाइस आ जाएगा, ये तुम्हारा भाई का बूम बम कस्टम में पहला लिटरली तरस खा जाओगे मेरे पे भाई, इतना गंदा लैग होता है मेरा, इतना गंदा, कभी मैं स्प्रे वगैरह सब स्ट्रीम करके पूछ रहा हूँ उनका, इतना गंदा लैग होता है ना, लिटरली मैं गाड़ी घुमा रहा था एक दिन और ऐसे डाला रश, मतलब बंदों के अंदर गेम ना क्रैश ना कुछ, फ्रीज होता है, फ्रीज हो जाता है मेरा गेम लिटरली रश करते समय, क्या करूँ उस टाइम में बताओ, कुछ ऑप्शन नहीं बचता जब फ्रीज हो जाए, क्या करे बंदा, कोई भी गिरा देगा। एक दिन तो मैं ऐसे गाड़ी घुमा रहा हूँ, आगे चलते जा रहा हूँ, रुक ही नहीं रही गाड़ी भाई। अरे डिवाइस कार्ड ने मेरे को 14 Pro दिया था, बट उसमें मेरे को भी खेलना नहीं है, तो मेरा 14 Pro Max आ रहा है, थोड़े दिनों में आ जाएगा। वैसे गाइस गेम लैग के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो कल काफी लोग का गेम क्रैश हुआ था नॉर्मल मैचेस खेलते हुए भी अराउंड 11:30 इन द नाइट। अब गाइस लेट्स सी ये इशू हमको कभी तक सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है द ग्राइंड के रिलेटेड। तो गाइस क्राफ्टन का एक पोस्ट आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहाँ पर BGS द ग्राइंड शुरू होने वाला है April 4 से एंड आपको ये सभी 250 टीम्स के मैचेस देखने को मिलेंगे evening 3:30 PM से। प्राइस बोल तो गाइस मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था, जो की है INR 2 करोड़। और गाइस नेक्स्ट एक थोड़ी शॉकिंग अपडेट निकल कर आती है पैराबॉय एंड नोवा के रिलेटेड। तो गाइस कल अचानक से हमको नोवा की तरफ से एक पोस्ट देखने को मिला, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, वो लोग पैराबॉय का एक तकिया बेच रहे हैं एंड कितने में, $1,000 में, जो कि हमारी इंडियन रुपीज में होता है गाइस 81,000। एंड इसके बाद ऑब्वियसली गाइस सबको यही लग रहा था क्या ये अप्रैल फूल प्रैंक है, बट गाइस नोवा तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं किए, तो इसलिए काफी लोग कुछ ये कमेंट्स कर रहे थे, $1,000 डेडली, इस पिलो में सो के क्या मैं प्रो बन जाऊंगा, 80,000 का है भाई, गाइस चिल, टुडे इज 1 अप्रैल। वैसे गाइस आप मेरे को बताओ, क्या आप 80,000 का
किलो लोगे। एनीवेज गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट है टीम गॉडलाइक के रिलेटेड जो कि निकल कर आती है मेजी की तरफ से। तो गाइस गॉडलाइक की बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद मेजी वापस से गॉडलाइक पर रिएक्ट किए। आप देखिए, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ ना भाई साहब कि वो लोग अच्छा खेल रहे हैं। एक्चुअली में वो लोग अच्छा खेल रहे हैं। अगर मैं तुम लोगों से बताना चाहूं तो एडमिनो और सिम्प के आने के बाद मुझे लगता है कि टीम काफी बैलेंस हो गई है। तो अब इसमें भी तुम लोग को क्या दिक्कत हो रही है ये बताओ। और मैंने तुमको बताया भाई, गॉडलाइक का अब मुझे स्टेबल लगता है सिचुएशन, जब से सिम्प और एडमिनो का आगमन हुआ है उनकी टीम में, तब से मैं मान के चलता हूँ कि वो बैलेंस्ड लाइनअप के साथ वो खेल रहे। प्लेसमेंट पॉइंट भी उनके पास है, उनके पास फिनिशेस भी है। अगर प्लेसमेंट पॉइंट देखा जाए तो 27 प्लेसमेंट पॉइंट इनके पास है, 27 ही है ना, 25 और 2 27, हाँ 27 प्लेसमेंट पॉइंट इनके पास है वैसा। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है एनिग्मा एंड टीम ओरैंगुटैन के रिलेटेड। तो गाइस एनिग्मा की तरफ से हमको एक ट्वीट देखने को मिला था जहाँ पर बेसिकली वो ये लिखे थे कि ये ई-स्पोर्ट टीम्स को आपको ये आईपीएल टीम से मैच करना है। तो इससे पहले गाइस इस पर कोई कुछ लिखता और एंगुटैन इस पर ये लिखे हेयर बिफोर एनीवन टैगर्स एज आरसीबी, क्योंकि आपको बताया गाइस आरसीबी भी अभी तक कोई भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है सोमराज की तरफ से। तो गाइस सोमराज आज एक काफी शॉकिंग चीज रिवील किए, आप देखिए। आईपीएल भी ट्रेनिंग करता है गाइस, आपको पता है मुझे लगता है कि BGIS तक हम ट्रेनिंग ही नहीं करते थे। जब BGIS चल रहा था उस समय हम ट्रेनिंग ही नहीं करते थे, उसके बाद भी बहुत टाइम तक हम ट्रेनिंग ही नहीं किए, बस हम ऐसा मुंह उठा के जाके मैच में घुस जाते थे। फिर हम देखे यार ये असॉल्टर्स बहुत मार रहे हैं, तो फिर हम सोचे कि अब ट्रेनिंग करने का वक्त आ गया है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है ट्राइडेंट गेमिंग के रिलेटेड जो कि निकल कर आती है घातक भाई की तरफ से। तो गाइस वीक 2 के लिए जो भी टीम्स क्वालिफाई की हैं वो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर ये चीज पर घातक भाई ये लिखे, लेट्स सी व्हिच ऑफ दीस टीम कैन स्टिल बी इन टॉप 8 आफ्टर 4 वीक्स। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है टीम एक्सपार्क निंजा जोड की तरफ से। तो गाइस वो रिगार्ड किए हेट के रिलेटेड, आप देखिए। देखो मैं बहुत सारी चीजें देखा हूँ, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट अगर मैं उनकी बातों पर ध्यान देने लग गया मेरे को मेरा गेम उनसे इम्प्रूव होगा नहीं, ठीक है। पहली बात तो तुम बोलते रहो, मैं मेरा खेलता रहूँगा, तुम्हारे बोलने से तुम मेरे को एक जगह से हटा पाओगे नहीं। मैं एक चीज़ बहुत देख रहा था गाइस, लौंडे बहुत सारा हेट दे रहे थे मेरे को, ठीक है मेरे को उससे कुछ बीटी नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेरे को सब हेट वेट चलते हुए कि तू आके लाइनअप में ख़राब कर दिया सब कुछ ये सब। और भी चीज़ें देख रहा था कि निंजा हट आओ TX बचाओ, ठीक है भाई क्या होगा उससे कुछ होगा बताओ, तुम्हारे बोलने से कुछ हो जाएगा नहीं ना। और तुम हेट दोगे तो दे लो, क्या हो जाएगा उससे, कुछ नया चीज़ या कुछ चेंजेस तो नहीं होने वाले ना। मेरे को भले ही वो एक बंदा जो भी हो वो सपोर्ट करे, मैं उसे एक बंदे के लिए अपने आप को अंदर मोटिवेट करके खेल लूँगा, मेरे को कुछ बेटी नहीं है समझे। तो ये सब चीज़ों से मेरे को कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है आपके बोलने से, अब मैं बहुत माइंड से स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है द ग्राइंड में क्वालिफिकेशन के रिलेटेड जिस पर फिक्सेस रिएक्ट किए। कुछ लोग जब चैट में ये लिख रहे थे कि कुछ टीम के लिए तो ईजी होने वाला है क्वालिफाई के लिए, आप देखिए। कुछ भी कहना इस समय मुश्किल है, ठीक है। प्रेडिक्शन लिटरली नो मैटर आपने कितनी मेहनत कर रखी है, उस दिन बस भगवान से प्रार्थना करना मैचेस में तरीके से खेलना वही वाली बात है। सो द फॉर्मेट इज हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट। तो जितने आपके मौके मिलते हैं, इतनी सारी टीम्स हैं, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। इट्स नॉट जस्ट फॉर गॉडल, मैं कह रहा हूँ जितने भी फेवरेट आईकू सोल हो गए, एंटिटी हो गए, रेवनेंट हो गए, ओजी हो गए, TXG, A2Z, जितनी भी टीयर 1 टीम्स हैं, अगर आप कह रहे हो कि वो लोग इजीली क्वालिफाइड हैं तो गलत हुआ, इतना मैं कह दूंगा। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है टीम सोल के रिलेटेड जो कि निकल कर आती है फिक्सेस की तरफ से। तो गाइस वो रिएक्ट किए टीम सोल के रिलेटेड जहां पर वो मेंशन किए थक भाई को भी, आप देखिए। द सोल लाइनअप इज द बेस्ट एवर BGMI और PUBG MT, नो सोल द करंट आईकू सोल नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ द क्या बोलते हैं इवेंचुअली दैट विल हैपन, आई थिंक दे नीड अ लिटिल बिट ऑफ दैट थक टच ऑन देम। थोड़ा सा PR रेडी मैं चाहता हूं प्लेयर्स को, लाइक यू नो ऐसे एंट्री मारे तो खौफ पैदा हो, मतलब वो गेम के अंदर तो बढ़िया है नो डाउट, आई थिंक आउटसाइड द गेम लाइक जो फुल पर्सनालिटी, एंड आई थिंक वी हैड दिस टॉक विद थग एंड थग सेड लाइक सी द करंट ओमेगा बॉयज यू नो दे लुकिंग सो कॉन्फिडेंट एंड टुक देम अराउंड ईयर एंड टू। तो धीरे धीरे वी डोंट वांट टू बी वेरी पुशी टू द प्लेयर्स, एक बार वैसा हो जाए, क्योंकि फॉर मी अ टीम इज जस्ट नॉट अबाउट कैसे गेम में खेल रहे हो, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू मार्केट योर सेल्फ, हाउ ओवरऑल यूर अ ब्रांड, मेरे हिसाब से। दिस अगेन सब्जेक्टिव, जस्ट माय ओपिनियन। और गाइस नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग अपडेट निकल कर आती है नियो की तरफ से। तो गाइस नियो को लाइव स्ट्रीम पर क्लच गॉड के एक लुक अलाइक मिले, आप देखिए। कहां से हो? हम धरती से बिलोंग करते हैं। ये बाजू वाले को फोन दो, ये मेरा दोस्त ऐसा दिखता है इसके जैसा। से इसको अबे भाई मेरा दोस्त दिखता है तेरे जैसा सेम दिखता है भाई, मां कसम सेम दिखता है सेम। ओए देख इंस्टाग्राम पे देख, सेम दिखता है भाई।
तू देख मैं भाई सेम लाला जैसा क्या मैं। और गाइस नेक्स्ट एक ई-स्पोर्ट्स से अलग न्यूज है, हम लोग बात करने वाले हैं मिस्टर बीस के रिलेटेड। तो गाइस ये चीज तो आपको बताई होगी, मिस्टर बीस अपनी वीडियोस में कार एंड काफी सारी चीजों का गिव अवे करते रहते हैं। एंड कल वो एक मॉल में शॉपिंग कर रहे थे, ऐसे रैंडम ही उनको एक वुमन मिली जो की उनकी वीडियो से कार जीती थी। आप देखिए Wait, you said I gave you a car one time? What video was it? It was the auto store. It was like 2-3 years ago. Oh, the free car store? Yeah, free car store. Oh, that's funny. Yeah, I thought she wanted a photo. She's like, hey, you gave me a car. I was like, oh. सही है भाई, मतलब मिस्टर बीस इतना गिव अवे कर चुके हैं कि उनको याद भी नहीं है। गिव अवे से याद है वैसे गाइस, क्या हम भी 100 के पे कुछ गिव अवे करें? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है टीम फॉरएवर के प्लेयर माफिया की तरफ से, वो रिएक्ट किए गाइस ओवेस के रिलेटेड। आप देखिए ओवेस भाई मेहनती तो है सही में, क्योंकि जब हम नए नए आए थे ना तो थोड़ा ग्राइंड वगैरह कम कर रहे थे। खेलते तो अच्छा थे हम और ग्राइंड कम कर रहे थे, तो वो कहते थे बेटे ग्राइंड करो, सुबह जल्दी उठ के लेट उठ रहे हो तुम, ग्राइंड करो। तो हम फिर जल्दी उठ के ग्राइंड वगैरह करते थे, फिर थोड़ा सा फर्क तो आया भाई गेम में, वो तो आता ही है। बाकी बेस्ट आईजल भाई, बहुत अच्छे आईजल हैं वो, तो ESL में भी बहुत अच्छे अच्छे जोन दिलाए हैं अपने को, सारे जोन दिलाए हैं ऑलमोस्ट सारे जोन, वो तो हमने चौक करा वरना सही में जीत जाते, वही था थोड़ा नई नई टीम भी थी। तो बस गाइस फिलहाल की वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।